नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाटा मोटर्स, जी हां, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है जो है चर्चा में रहता है। तो इसकी जो अभी आप पिछले दिनों से एक अपवर्ड जर्नी देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा जो है स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ बेसिकली इस स्टॉक में, फंडामेंटल चेंज क्या हुए उसके बारे में ये एक छोटी सी जानकारी है, तो ये मैं आपको देना चाहता था। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि स्टॉक में जो है कंटिन्यू अपवर्ड रैली दे रहे हैं और इंट्राडे सेशन में ही यानी 15 तारीख को इस स्टॉक ने लगभग 7% का मूव दिया था और अपना 6 मंथ का हाई बनाया था 230 रुपये का BSE पर। तो यहाँ इंट्राडे चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी अपमूव देने के बाद स्टॉक ने एक हर इंटरवल में एक बहुत बेहतरीन बेस बनाते हुए हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए एक अपवर्ड मूवमेंट दिया और स्टॉक 230 की तरफ मूव करता रहा और इंट्राडे सेशन में इस इंट्राडे सेशन ने कभी भी ये स्टॉक कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ा। तो यहाँ आपको बता दूं कि स्टॉक जो ओपन हुआ था वो इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 215.85 रुपये का था और जो ओपन हुआ था 216 रुपये का था और सबसे अच्छी बात जो लो था वो 216 ही रुपये था, यानी कि उस दिन का जो ओपन था वही इस स्टॉक का लो था। और जब ऐसा पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बनता है तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है एक अपवर्ड मूवमेंट का, सॉरी। और स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 225.50 रुपये का हाई बनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक कंटिन्यू जैसे कि अपने हाई लेवल की ओर मूव कर रहा था और ये जो हाई है 232 रुपये का, ये इसके जो लास्ट ट्रेडिंग मतलब अक्टूबर 2018 के आसपास वो इस लेवल पे लगभग 227 से 229 रुपये के लेवल के बीच था जो कि अक्टूबर 2018 के टाइम पर, और अब ये स्टॉक वापस उसी लेवल पे आया है। तो चलिए देखते हैं आगे स्टॉक के बारे में जानकारी देता हूँ। और अगर आप इसका मैं आपको अगर 3 मंथ यानी 3 मंथ्स का चार्ट दिखाऊँ इस स्टॉक का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने 62% की रैली दे दी है। इसके लो जो 142 रुपये का लो था फरवरी 8, 2019 को बनाया था, जी हाँ, यहाँ पर जो है 2019 को फरवरी 8, 2019 को 142 रुपये का लो बनाया था इसने BSE से और वहाँ से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव देते हुए लगभग 62% की रैली इस स्टॉक ने कर ली है। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए जो स्टॉक ने इतना अच्छा बेस बनाया और लगभग इतना बड़ा अप मूव दिया है। तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं टाटा सन्स, उन्होंने मोर देन 500 करोड़, यानी जी हाँ, जो टाटा सन्स हैं कंपनी के प्रमोटर, उन्होंने 500 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ओपन मार्केट से बाय किए हैं। जी हाँ, डायरेक्ट ओपन मार्केट से कंपनी के प्रमोटर्स ने ये शेयर्स बाय किए थे। और ये ट्रांजेक्शन किस पीरियड में और कैसे हुआ, कितने का हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 11 फरवरी 2019 से लेकर 26 फरवरी 2019 के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुए उसमें टाटा सन्स ने 31.67 मिलियंस शेयर्स खरीदे थे और जिनकी टोटल वैल्यू थी 527 करोड़ रुपये। जी हाँ, 527 रुपये के करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे टाटा सन्स ने और जो शेयर्स की संख्या थी वो 31.67 मिलियन शेयर्स थी। तो अब यहाँ पर देखें तो टाटा सन्स की जो होल्डिंग अगर आपको बताऊँ तो ये होल्डिंग इस पीरियड में 11 फरवरी से 2019 से 26 फरवरी 2019 तक तो जो पहले थी 33.67 उससे बढ़कर 34.40 हो चुकी है। जी हाँ, इस पीरियड में 33.67 से बढ़कर 34.40 जो है टाटा होल्डिंग की जो है टाटा सन्स की होल्डिंग हो चुकी है इस शेयर्स में। हालांकि कंपनी ने जो है ओवरऑल प्रमोटर्स की जो है शेयर पैटर्न अभी नहीं डिस्क्लोज किया है, तो ये आगे रिजल्ट के बाद इसे डिस्क्लोज करेंगे। और यहाँ पे बता दूँ कि जो 29 मार्च को टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है JLR, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है यानी कि मार्च एंड का क्वार्टर है उस 2019 का, उसमें कंपनी एक अच्छा जो है रिजल्ट पेश करेगी। जैसे कि आप थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की थी कंपनी ने बुक में और एक बहुत ऑलमोस्ट सबसे वर्स्ट रिजल्ट कंपनी ने घोषित किया था। तो वो एक उन्होंने जितना भी खराब हो सकता था उस क्वार्टर में वो कर दिया और अब कंपनी जो है एक अप मूवमेंट के लिए या ये कहें कि एक अच्छे आउटलुक के लिए रेडी है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि 11 फरवरी 2019 को जो टोटल शेयर्स थे टाटा सन्स के पास वो थे 9 करोड़ 99 करोड़ 4 लाख 36 हज़ार 145 शेयर्स थे
और जो कि बढ़कर 25 फरवरी 2019 तक ये टोटल शेयर जो हो गए थे वो थे 1,01,03,06,910 शेयर्स हो गए हैं अब टाटा सन्स के पास। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर ये एक एफर्ट है प्रमोटर्स का इन्वेस्टर्स को फेथ देने के लिए कि कंपनी आगे चलकर एक अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है और उनकी जो यूके की सब्सिडरी है JLR वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आगे चल के देगी। तो ये फेथ कंपनी ने दिया है और हालांकि जैसे कि एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये शेयर गए हैं तो अब इसका डाउनवर्ड जाना काफ़ी मुश्किल है और यहाँ से कंपनी एक अच्छा मूवमेंट देख सकती है। तो अगर शेयर होल्डर्स के नज़रिए से यहाँ पे देखा जाए या इन्वेस्टर्स के नज़रिए से तो स्टॉक 260 का लेवल बहुत ही शॉर्ट टाइम में देख सकता है, 260 तक का लेवल, और जितना भी बैड टाइम था इस स्टॉक का वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे बट इट इज़ रेडी टू मूव अपवर्ड इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये एक ऊपर की ओर चलने के लिए रेडी है और लग रहा है कि अब इसका जो है इट इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इट्स बैड टाइम। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये शेयर कैसे करता है। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो ये था वीडियो टाटा मोटर्स का दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।